बिस्मिलहमान रहीम जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एमनियोटिक फ्लुड एमनियोटिक फ्लूड बाय डेफिनेशन इट इज अ क्लियर येलोइश लिक्विड दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द अनबॉर्न बेबी दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हिच इज कंटेन इन द एमनियोटिक सैक इंट्रोडक्शन एमनियोटिक फ्लुइड हैज गॉट नंबर ऑफ रोल्स टू प्ले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नंबर वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर द फीटल मूवमेंट टू प्लेस वेरी एफिशिएंटली सेकंड It provides fetal swallowing, it helps in fetal swallowing, and also which is essential for gastrointestinal tract development and fetal breathing, which is necessary for lungs development as well. Amniotic fluid will so prevent cord compression. Definitely if you advocate the amount of amniotic fluid present in the amniotic sac, what will happen? It will provide protection to the fetus from trauma compress the yogi so there will be no uh, you can say strangula strangulation yogi you a fetus ki then most importantly oxygen supply will be effectively done nutrition supply will be good enough for the fetus to grow further it will provide uh, protection against the, you can say infection because okay, it has the property of bactericidal action then इट्स एमनियोटिक फ्लिड वॉलीसो वेरी इम्पॉर्टेंट कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है बिकॉज अगर इसकी कंसनट्रेशन इसके अमाउंट वॉल्यूम ज्यादा है तो दैट विल ऑल्सो लीड टू द एबनॉमलिटीज और अगर कम है तो तब भी आपको कुछ इश्यूज मिलेंगे सो इट्स अमाउंट इट्स वॉल्यूम इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दीज वॉल्यूम एक्सट्रीम्स में भी एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क फॉर एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम अगर आपको वॉलीम में ज्यादा या कमी मिलती है तो इसकी आउटकम प्रेगनेंसी पे बहुत एडवर्स आ सकते हैं। फॉर द फीटस टू स्क्रीट यूरिन एमनियोटिक फ्लुइड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल मिच्योरिटी यू कैन सी इन दिस एक्चुअली के वीक्स बाय वीक्स हैव गिवन यू द वॉल ट्वेल्थ वीक पे यू कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ that is approximately 50 ml. Twenty weeks pay four hundred ml. Thirty six to thirty eight weeks is one liter. Forty weeks to eight hundred ml. And after forty weeks, you can notice one thing that there is decrease in the amniotic fluid. Forty two weeks, four eighty ml. Well, pH of amniotic fluid is seven to seven point five. So, that amniotic fluid is alkaline in nature. A specific gravity one zero one zero. Osmolality is two fifty mmol per liter. Well, uh, there is one test known as nitrosine test. Sometimes what happened patient is confused whether the leakage is due to rupture of membrane or whether it's a vaginal discharge. So, in order to rule out what is actually the cases, what we do, we perform these nitrosine tests. Ismaam kya karte? We insert litmus paper into the vagina. And if the paper turn blue, it means that is amniotic fluid because we know

वेल पोस्ट मेच्योरिटी हम तब कहते हैं इफ़ जेस्टेशनल दस्टेशनल अबव फोर्टी अगर किसी की जेस्टेशनल एज फोर्टी है फोर्टी वन है फोटी टू है तो हम इसे कहेंगे कि पोस्ट मेच्योरिटी है तो इन दैट केस भी अगर हमें रक्चर मिल रहा होता है सो दैट इज ड्यू वहाँ पे एम नोटिक कलर विल भी ग्रीनिश येलो इफ़ इन केस द कलर इज डार्क मरून देर इज डेफिनेटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एक्सीडेंटल भी हो सकता है ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है जहां पे आपको इंटरनली हेमरेजेस मिल रहे होते हैं फिफ्थ इज प्रून जूस सीन इन रिटेन अगर आपको मिल रहा है आप कह सकते हैं ब्राइट रेड है तो दैट इज एक्चुअली वाज अ वन ऑफ द वेरी सीरियस कंडीशन या हम इसे कह सकते हैं लो लाइंग इसमें एक्चुअली क्या होता है इस कंडीशन इन विच फीटल ब्लड वेसल्स जो फीटल ब्लड वेसल्स हैं वो रन कर रहे होते किसके ऊपर अब इंटरनल ऑस इंटरनल ऑस के ऊपर या फिर बहुत ही नियर बाय उसे गुजर रहे होते हैं। तो जब भी अगर हमें रक्चर मिलता है ऑफ मेम्ब्रेन का बिकॉज ऑफ दैट रक्चर दिज वेन ऑल्सो गेट डैमेज एंड इन रिटर्न द कलर ऑफ दॉटिक फ्लूडर्न इन टू ब्लड स्टेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेम्बर Well, on this slide, you can see the composition of the amniotic fluid: the organic constituent are protein, glucose, urea, non-protein nitrogen, uric acid, creatinine, lipids, hormones, insulin, prolactin, renin, and in inorganic constituent you can find sodium, potassium, chlorine, chloride, and suspended particles are lenigo desquamated fetal skin cells, one is caseosa, um, caseosa, amniotic cells, cells from the respiratory tract, GIT, urinary tract. लेनियोगा हम लोग कहते हैं जो फीटल हेयर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कह रहे होते हैं लेनियोगा और ज़्यादातर ये हमें उन बेबीज पे मिलते हैं जो प्री बर्थ इनकी होती है अदरवाइज यू यूजुअली डोंट फाउंड लेनियोगा ये इंट्रा यूट्राइन एक कंडीशन है जिसमें आपको नॉर्मली बेबी जो पूरी कवर हुई हुई होती है हेयर से सॉफ्ट सिल्की हेयर फाइन ग्रोथ होती है बेसिकली ऑल ओवर द बॉडी एंड एंडलम्स ऑफ दी ठीक है सम टाइम इट हैपन कि अगर वो प्री मेच्योर है तो आपको प्री की वजह से लेने का बेबी में मिल सकता है दूसरा यहाँ पे वर्ड एक यूज किया गया है वर्निक्स केसियोसा वर्निक्स केसियोसा को हम सिर्फ वर्निक्स भी कह सकते हैं और ये बिल्कुल एक वैक्सी और चीज़ी लाइक वाइट सब्सटेंस है जो कि आपको मिल रहा होता है न्यूबॉर्न में और बेसिकली ऐसा क्यों होता है डेफिनेटली ड्यू टू लॉट ऑफ ऑयल सिक्रीशन और ये जो फीटल स्किन शेड ऑफ़ होती है स्लॉग ऑफ होती है ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन फीटल लाइफ तो उसकी वजह से आपको ये मिल रहा होता है वर्निक्स केसियोसा अच्छा एमनिटिक फ्लूड पाथवेज मेजरली दो तरीकों से काम कर रहा होता है दैट इज एक्चुअली इंट्रा मेम्ब्रेनस एंड ट्रांस मेम्ब्रेनस पाथवे इंट्रा मेम्ब्रेनस हम तब कहेंगे जब रैपिड रेपिड मूवमेंट हो रही होती है वाटर और सल्यूट की बिटवीन एमनियोटिक फ्लूड और फीटल ब्लड विद इन द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन उसे हम कह रहे होते हैं मेम्ब्रेनस पाथवे एंड द सेकेंड वन इज दी ट्रांस मेम्ब्रेनस ये क्या है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सल्यूट बिटवीन एमनियोटिक फ्लूड एंड मेटर ब्लड विद इन दॉल ऑफ दूटरस इज एंड एक्सचेंज थ्रू दिनस पाथवे सोर्सिस ऑफ एम फ्लूड यहाँ पे डिफाइन uh, करने की कोशिश की गई है कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन में आपके सोर्सेज क्या है कौन से पीरियड अगर अर्ली वीक है तो सोर्स आपकी मेटरनल प्लाज्मा है डेफिनेटली अगर ट्वेल्व टू ट्वेंटी वीक का ड्यूरेशन है तो वहां पर आपका जो सोर्स ऑफ एम फ्लूड है दैट इज डेफिनेटली फीटल स्किन

कोई पेशेंट है आपके पास टर्म पर आया है लेकिन टर्म पर आई और कंप्लेन करी कि उसका बैक रक्चर हो गया है तो दैट ऑटोमेटिकली रक्चरिंग दैट इज नोन एज ए स्पॉटिंग ऑफ मेमरीन और अगर ये वक्त से पहले आपको रपच्चर मिल रहा है टर्म से पहले तो हम इसे कहेंगे प्री मेचोर रक्चर ऑफ मेमरीन अब वाइल्ड डूइंग रक्चर ऑफ मेमरी बाजत क्या होता है कि रपच्चर ऑफ मेमरेन खुद से नहीं हो रहा होता लेकिन हमें आर्टिफिशियल इंड्यूस करवाना पड़ता है इन पेशेंट तो हम उसे और क्या कह सकते हैं एमनी भी कह सकते हैं आप लोग आर्टिफिशली हम लोग इंड्यूस करवाते हैं सो दैट द डिलीवरी प्रोसेस कैन बीजीली रन अल्ट्रासोनोग्राफी एमनिक फ्लूड एमनियोटिक फ्लूड हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर बेसिकली दो मैथड्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं वन इज द सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल फ्लूड पॉकेट जिसमें आप साइड में ये देख सकते हैं एक डायग्राम है इलास्ट्रेशन है बेसिकली इसमें आपने क्या करा है कि मदर के मदर के अबडोम को फोर क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया है और इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास डीपेस्ट पॉकेट मिल रहा है डीपेस्ट पॉकेट हम उसे कौन सा कहेंगे जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूड हमें मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल एक ये है ये शॉर्ट है ये इसके अंदर हमें ज्यादा डीपेस्ट मिल रहा है तो ये हमारा डीस्ट पॉकेट है यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट में जिसमें सबसे ज्यादा डीपेस्ट हमें मिल रहा होगा वो हमारा क्या लाता है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है तो ये जो मेजरमेंट हम लेंगे ये शो करेगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर कंडीशन माइड बी ओलिगोहाइड्रोम नी हो और पॉलीहाइड्रोम जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे और इसकी जो रेशियो हम ले रहे होते हैं जो सेंटीमीटर्स में दैट इज टू टू एट सेंटीमीटर्स अगर आपको ये जो वर्टिकल लेंथ मिल रही है अगर वो लेस देन टू है तो वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट इज कंडीशन अगर फ्रॉम पोलिडोनियोस सेकेंड मेथड हमारे पास है ज्यादातर अल्ट्रा ज्यादातर जो है ये वाला मैथड यूज हो रहा होता है इसमें बेसिकली क्या करना है सेम आप फोर क्वाड्रेंट में क्या करेंगे सबके डीपेस्ट जो वर्टिकल पूल आपको मिल रहा है वो आप मेजर कर लेंगे फिर उन सबका सम करेंगे और आपको जो भी वैल्यू मिलेगी हम उसे फिर देखते हैं कि उसकी नॉर्मल रेंज कितनी आ रही है नॉर्मल रेंज बेसिकली हमारे पास है फाइव तो टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अगर आपको ब्लो फाइव सेंटीमीटर मिल रहा है तो वो इंडिकेट करेगा ओलिगो हाइड्रोमिनियोसिस एंड इफ यू आर गेटिंग अबव ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वो इंडिकेट करेगा पोली हाइड्रोमिन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट के थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल रेंज हमारी कितनी होनी चाहिए बिटवीन टेन एंड ट्वेंटी फाइव सी एम बिलो टेन सी एम इंडिकेट से रिड्यूस वॉल्यूम तभी अगर हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई पेशेंट आती है तो हम स्पेशली उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं टू चेक द वैल्यूज ऑफ एमनियोटिक फ्लूड हमें वॉल्यूम चेक करना होता है अगर हमें लगता है कि इसके वॉल्यूम्स जो है एट नाइन है या इससे भी कम है तो फिर हम क्या प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं पेशेंट को कि फॉरन या तो अपनी फ्लूड इनटेक को बढ़ाए फ्लूड इनटेक बढ़ाए या फिर कोई ड्रिप्स लगवा लें कॉमनली जो हम ड्रिप्स लगवा रहे होते हैं वो आ, पाकिस्तान में तो पैनमिन डी अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड बेसिकली उसमें अमाइनो फ्लूड्स मौजूद हैं वो हम उनको इन्फ्यूज़ करवा रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी वैल्यूज जो है लेस देन टेन नहीं जानी चाहिए अगर अबव टेन है तो वेल एंड गुड ताकि इन फ्यूचर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए एट टाइम ऑफ डिलीवरी वेल देर इज एन डायग्नोस्टिक टूलिस एक प्रोसीजर है मेडिकल प्रोसीजर है जो कि हम यूज uh, कर रहे होते हैं फॉर डायग्नोस्टिकपज एज वेल एज फॉर थेरापटिकायस्टिक के अंदर डेफिनेटली अगर कोई क्रोमोजोमल एबनॉमिटीज हमने चेक करनी है पेशेंट में अगर वो हिस्ट्री दे रही है कि पहले उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स है उसमें फॉर एग्जाम्पल देखा केस ऑफ डाउन सिंड्रोम तो देर आर चांसेस कि ये वाली प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम हो सकता है टू रूल आउट और टू चेक वेदर दिस करंट प्रेगनेंसी करेंट प्रेग्नेंसी कैसे इज अगेन अ केस ऑफ मे बी सम क्रोमोजोमल एबनॉमिटीज तो हम वहाँ पे एमनियोसिंथेसिस कर सकते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन है फीटल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए या इवन फॉर सेक्स डिटमिनेशन हम एमनियोसिंथेसिस कर सकते हैं इन केस ऑफ डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंडीशन है की जहाँ पे एक्सेसिव ऑफ Uh, आपको फ्लूड मिल रहा है पेशेंट में विच इज विच माइड बी इन डेंजरस फॉर द पेशेंट तो वहां पे हम क्या करते फ्लूड को एक्सपायर करते हुए विद्रॉ करते हैं फ्लूड को आप यहाँ पे इजिली ये इलास्ट्रेशन में देख सकते हैं कि नीडल इंसर्ट करिए इन टू दैक एंडली इट्स इन्वेजिव प्रोसीजर एंड इट हैजू बी हैंडल वेरी केयरफुली स्किलफुल पर्सन शुड डू दिस ये इजिली नहीं होता एक्सपेंसिव भी है एंड अगर इंडिकेशन नहीं है तो वी डोंट गो फॉर सच काइंड ऑफ प्रोसीजर्स बट थैरेपूटिकली भी हम कर सकते हैं टू विड्रॉ एक्स्ट्रा फ्लूड जो कि हम आगे फ्यूचर पीपीटीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे